नमस्कार, न्यूज बुलेटिन में आपनु स्वागत छे। हूँ छू पंकज। शुरुआत महत्वपूर्ण समाचार थी करीशु। सुप्रीम कोर्ट नी पांच सभ्यों नी बेंच आज अयोध्या मामले ऐतिहासिक चुकादो आप्यो छे। आ बेंच ना अध्यक्ष सीजेआईए 45 मिनिट सुधी चुकादो वांच्यो हतो अने कह्युं हतुं के मंदिर निर्माण माटे ट्रस्ट बनावामां आवे अने तेनी योजना 3 महीनामां तैयार करवामां आवे। पीठे कह्युं छे के मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद निर्माण माटे अयोध्यामां ज 5 एकर वैकल्पिक जमीन फाळवामां आवशे। सीजेआई गोगोईए कह्युं के हिंदू मुस्लिम विवादित स्थान ने जन्मभूमि माने छे, परंतु आस्थाथी मालिकी हक न नक्की करी शकाय। पीठे एवुं पण कह्युं के तोड़ी पाड़वामां आवेलुं माळखुं ज रामनुं जन्मस्थळ छे। हिंदुओंनी आ आस्था निर्विवादित छे। चीफ जस्टिसे शिया सुन्नी वकफ बोर्डनी जे अरजी हती एने पण फगावी छे। नोटनीय छे के बेंचे 40 दिवस सुधी हिंदू अने मुस्लिम पक्षनी दलील सांभळ्या बाद 16 ऑक्टोबरे चुकादो अनामत राख्यो हतो। हिंदू पक्षने केटलीक शरतोने आधीन जमीन आपवामां आवी। एक मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ एक परस्पर लोगों के रिश्ते भी बेहतर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और सभी से मैं यह अपील करना चाहूँगा कि इस अवसर पर शांति व्यवस्था बनाकर रखें और इस फैसले को किसी की हार अथवा जीत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि देश के एक सबसे बड़े न्यायालय का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए इसका सुप्रीम सम्मान भी होना चाहिए। नहीं, हम किसी के उसके स्टेटमेंट पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। 3 महीने का टाइम है तो कब आप सरकार चाह रही है मस्जिद के लिए जो जमीन है अलॉट करके उस पर कंस्ट्रक्शन? नहीं, जो भी होगा, पहले आज तो जजमेंट आया है। जजमेंट का सभी के द्वारा स्वागत। एक सवाल है, इस फैसले के बाद जो है वो शामिल होना चाहिए। अखाड़ा परिषद ने कहा है कि उनके मैंने किसी के स्टेटमेंट पर आज मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। सर, कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर ये कहा है कि बीजेपी से एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा जो है वो कोर्ट ने छीन लिया है। इस फैसले को कुछ नहीं, किसी के स्टेटमेंट पर मैं कोई रिएक्शन आज के दिन नहीं देना चाहूंगा। रिएक्शन जब देना होगा तो कभी देंगे। सर, बीजेपी के घोषणा पत्र में राम मंदिर अहम मुद्दा रहता था, क्या कुछ इसको लेकर कहते हैं? मैंने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, किसी को इसे जीत अथवा किसी की हार के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। तो आपने 370 भी किया, आपने राम मंदिर भी किया, अब क्या एक न्याय व्यवस्था को लेकर आप लोग करेंगे? क्योंकि ये कहा जाता रहा, कांग्रेस कहती है आपकी कंपनी करनी आ गया समय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल राज्य से जुड़ा हुआ, सर राज्य से जुड़ा हुआ, सर आज आज राज्य स्थापना उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मैं समस्त उत्तराखंड के रहने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहे छे के सुप्रीम कोर्ट जे चुकादो आप्यो छे कोई नी हार के जीत नथी, परंतु एनु बधाए सम्मान करवु जोईए अने सुप्रीम कोर्ट नो जे चुकादो छे ए शिरोमान्य रहेशे अने कोई पण प्रकारनी राजकीय प्रतिक्रिया तेओ नथी आपवा मांगता। कोई पण प्रकारना जे आजे स्टेटमेंट आव्या छे तेना अगेन्स्टमां तेओ कंई कहेवा नथी मांगता। तो विवादित जगह पर ज हवे राम मंदिर बनशे। सुप्रीमे जे चुकादो आप्यो छे तेना मुख्य मुद्दाओ जोईए तो विवादित जमीन रामलल्लानी होवानुं सुप्रीम कोर्टे पोताना चुकादामां टांक्यु छे। हिंदू पक्षने केटलीक शरतोने आधीन जमीन मळी छे अने बीजी वात सरकारने मंदिर निर्माणनो पण आदेश आप्यो छे। एक ट्रस्ट बनशे अने आ ट्रस्ट आगामी महिनाओमां आ मंदिरनुं निर्माण करशे अने तेना माटे सरकार नियमो पण बनावशे। मुस्लिम पक्ष ने वैकल्पिक जमीन आपवामां आवशे। 5 एकड़ जेटली जमीन अयोध्यामां जे तेमने फाळवामां आवशे अने आ 5 एकड़नी जमीनमां तेओ अलग मस्जिद जे छे ए बनावी शकशे। केन्द्र सरकार 3 महीनामां ट्रस्ट बनावे अने आ ट्रस्ट अंतर्गत मंदिर निर्माणनी जे कार्यवाही छे ए शरू थाय। आउटर कोर्ट हिंदुओने अपाशे, साथे साथे 2.77 एकर जमीन पर सरकारनो अधिकार रहेशे, हक रहेशे। तो सुप्रीम कोर्टना चुकादाने मुख्यमंत्रीए आवकार्यो छे। ट्वीट करीने मुख्यमंत्रीए प्रतिक्रिया आपी, गुजरातनी जनताने सीएमए अपील पण करी छे, निर्णयने सहज स्वीकारी शांति जाळवी राखो एवुं तेमणे लख्युं छे अने साथे निर्णय भारतनी अखंडताने वधु बळ आपे छे। सीएमए निर्णयने ऐतिहासिक पण गणाव्यो। મુખ્યમંત્રીએ શાંતિ જાળવી રાખવા માટે અપીલ કરી છે, સાથે સાથે તેમણે સુપ્રીમનો આ ચુકાદો ઐતિહાસિક ગણાવ્યો છે અને તેમણે કહ્યું છે કે આ ચુકાદો આવકારદાયક છે, જનતાએ આ ચુકાદાને સ્વીકારીને અને શાંતિ જાળવી રાખવી જોઈએ, ભાઈચારો બનાવીને રાખવો જોઈએ।
तो मुख्यमंत्री ना आ ट्वीट आप जोई शको छो जेमां तेमणे ट्वीट में लख्यू छे के आजे सुप्रीम कोर्टे जे फैसलो आप्यो छे, जे निर्णय आप्यो छे, गुजरात ना तमाम समुदाय ना लोको माटे तेओ शांति जाळवी राखवा माटे अपील पण करे छे ने आ जे निर्णय छे तेनो तेओ स्वीकार पण करे छे। ગુજરાતની તમામ ધર્મની જનતાને હું અપીલ પણ કરું છું કે આ નિર્ણયના સંદર્ભમાં આપણે સૌ શાંતિ જાળવીએ અને એકલાસના વાતાવરણને વધુ મજબૂત બનાવીએ। અમદાવાદમાં પોલીસને સ્ટેન્ડ ટુનો આદેશ અપાયો છે। સવાર 8 વાગ્યાથી સ્ટેન્ડ ટુ હતી પોલીસ। સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં પોઈન્ટ ગોઠવવામાં આવ્યા છે। આઈબીએ સોશિયલ મીડિયા પર નજર રાખી હતી। પોલીસે યોજી છે ફ્લેગ માર્ચ। વિસ્તારમાં અમે અમુક ફિક્સ પોઈન્ટ રાખેલા છે, અમુક સંવેદન સેન્સિટિવ જે વિસ્તાર છે ત્યાં વ્હીકલ દ્વારા ફ્લેગ માર્ચ ચાલુ રાખી છે અને અમને જરૂર લાગે ત્યાં ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરી રહેલ છે। તો પોલીસે અહીંયા ફ્લેગ માર્ચ યોજી છે અમદાવાદમાં, કારણ કે સુપ્રીમનો આજે જે ઐતિહાસિક ચુકાદો આવ્યો છે ત્યારે આ ચુકાદાને બદલે આ અમુક વિસ્તારો કે જે સંવેદનશીલ છે ત્યાં કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તેના માટે પોલીસે ફ્લેગ માર્ચ યોજી હતી। સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં પોઈન્ટ પણ ગોઠવવામાં આવ્યા છે। આરબીએ સોશિયલ મીડિયા પર પણ નજર રાખી। તો 84 સે 92 કાલખંડ રામ મંદિર આંદોલન કા ઊંચાઈઓ તક જાને કા કાલખંડ થા और उसमें सत्ता परिवर्तन भी, मानी 84 में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें थी, उनमें से 89 में उनकी 90 सीटें आ गई, उनमें से सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया भी उनमें से ही खड़ी हुई। કેટલાય વર્ષોથી આનો એક ઝઘડો હતો, એનો અંત માટેનું જે વિચારધારા દ્વારા અને કોઈને પણ નિરાશ ના થાય એવી વસુદેવ કુટુંબની ભાવના સાથેનો જે જવાબ છે એ સહેજે સ્વીકાર છે। શુભ સમાચાર મળ્યા, શ્રી રામ જન્મભૂમિ એનો અધિકાર શ્રી રામલલાને એટલે શ્રી રામ જન્મભૂમિ ન્યાસ મંચને આપ્યો નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે, અને ત્યાં ભવ્ય ભગવાન શ્રી રામનું મંદિર બનશે એની અમે ખુશાલી વ્યક્ત કરીએ છીએ। રામ મંદિર પર ચુકાદા બાદ રાજ્યમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન કરી દેવાઈ છે। શહેરોમાં વાહનોના ચેકિંગની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ। ગાંધીનગરમાં સુરક્ષાના ભાગરૂપે નાના મોટા તમામ વાહનોનું ચેકિંગ કરાઈ રહ્યું છે। जो डिस्प्यूटेड साइट है वह श्री रामलला को दिया गया है और मुस्लिम पक्ष के लिए 5 एकड़ लैंड का आदेश दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कि अयोध्या के अंदर एक्वायर करके मुस्लिम पक्ष को सुन्नी वक्फ बोर्ड को वह लैंड सौंपा जाए और उनको वहां मॉस किया एसोसिएटेड एक्टिविटी के लिए अधिकार। हम इससे पहले भी कहते हैं कोर्ट ने जो भी कहा है वो ठीक कहा है, हम उसका सम्मान करते हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की हम कहा देती है कहा नहीं देती है, क्योंकि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, पहले भी करते थे आज भी करते हैं। हमें चाहते हैं ये मसला हिंदुस्तान का बहुत अहम था वो आज खत्म हो गया। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट, वी हैव विल गो थ्रू इट फुल्ली, देन वी विल डिसाइड व्हाट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन विल बी आवर्स। दैट इज डिटेल्ड कमेंट्स कैन नॉट बी मेड जस्ट नाउ, बट वी कैन से दैट द जजमेंट इज देयर आर सेवरल कंट्रडिक्शंस इन द जजमेंट एंड देयर आर सम incorrect findings also, so we will examine them। और ये एक स्वागत योग्य फैसला है। मैं ऐसा समझता हूँ कि इसका अनुपालन शीघ्रता से किया जाना चाहिए, तत्काल शुरू कर देना चाहिए और इसकी जो दृष्टि है, इसकी जो शिक्षा है वो बहुत स्पष्ट है और उसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। ये हमें आगे ले जाने का संदेश देता है। जो वादग्रस्त जमीन थी वो निर्विवाद हो गई है कि वहाँ राम मंदिर था और राम मंदिर बनना चाहिए और वहाँ राम मंदिर बनेंगे, ये स्पष्ट हो गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण। सर्वोच्च अदालत के आज के फैसले से राम मंदिर के निर्माण के द्वार तो खुल ही गए जैसा आपने कहा, लेकिन इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों के सत्ता के भोग के लिए देश की आस्था के साथ राजनीति करने के द्वार भी हमेशा के लिए बंद। आज 9 नोव्हेंबर आहे, आपल्याला सर्वांना आठवत असेल की गेल्या 24 नोव्हेंबरला मी आणि माझ्यासह असंख्य शिवसैनिक अयोध्येत गेलो होतो। सरयू नदीच्या किनारी आम्ही आरती केली होती। हे श्रेय घेण्यासाठी मी बोलत नाही पण एक आठवण म्हणून सांगतो।
की तिथे जाताना मी शिवजन्मभूमीची एक मूलभूत माती घेऊन गेलो होतो आणि माझ्या मनामध्ये एक विश्वास होता की ही चमत्कार घडवणारी माती ज्या मातीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज हे दैवत आमचं जन्माला आलं ती एक मूलभूत माती तिकडे घेऊन गेल्यानंतर नक्कीच चमत्कार घडेल आणि मला आज आनंद होतोय की 24 नोव्हेंबरला मी तिथे जाऊन ती माती ठेवली आणि वर्ष पूर्ण होण्याच्या आत हा निकाल आलेला आहे आणि म्हणूनच येत्या 1-2-3 दिवसांमध्ये मी पुन्हा एकदा शिवनेरीवरती जाणार आहे, त्या मातीला वंदन करणार आहे, शिवरायाला वंदन करणार आहे आणि माझी इच्छा अशी आहे की येत्या 24 तारखेला मी कदाचित पुन्हा अयोध्येला जाईन. असो, मला असं वाटतं जी एक हिंदूंची श्रद्धा आहे, भावना आहे, त्या भावनेला आज न्याय मिळालेला आहे. याचा आनंद व्यक्त करत असताना मी सर्वांना सूचना दिलेल्या आहेतच की कुठेही वेडवाकडं काय होईल असं काही करू नका, आनंद जरूर साजरा करा पण तो आनंद सगळ्यांनाच झाला पाहिजे. एक अध्याय जरी संपला असला तरी एक नवीन पर्व सुरू होत आहे, या पर्वाचं आपण सगळे हिंदुस्थानी मिळून स्वागत करूया आणि या निमित्ताने जो एक समजूतदारपणा सगळेजण दाखवत आहेत तो समजूतदारपणा जर आपण नेहमी दाखवला तर हिंदुस्थान ही आपल्या जगातली एक सगळ्यात मोठी महाशक्ती बनेल यावरती माझा विश्वास आहे. अरे महिने आम्ही बघा ना प्लीज आपण थोडासा हिंदी ट्रान्सलेशन करूया, हिंदी में बात जरूर करूंगा लेकिन मेरी मराठी जितनी आपकी समझ में आती होगी शायद हिंदी नहीं आएगी, इसीलिए मैं ठीक है. जैसे मैंने कहा कि आज का दिन अपने हिंदुस्तान के इतिहास में एक अलग दिन है, सुवर्ण दिन जिसे कहा जा सकता है. તો ઉદ્ધવ ઠાકરે કે જેઓ કહી રહ્યા છે કે આજનો દિવસ ખૂબ જ ઐતિહાસિક છે અને આ નિર્ણય જે સુપ્રીમ કોર્ટે આપ્યો છે તેને તેમણે આવકાર્યો છે અને સાથે તેમણે કહ્યું છે કે આમાં કોઈ શ્રેય લેવાની જરૂર નથી, આ સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો છે, કોઈ હાર કે જીત નથી થઈ. પિટિશન જો થી વો 96 કે જજમેન્ટ કે અગેન્સ્ટ થી, જાહેર સી બાત હે 71 સાલ કે બાદ હમને અપીલ દાખિલ કી થી और अभी ऑर्डर आने दीजिए किस ग्राउंड के ऊपर खारिज हुई है, वो सारी चीज़ें अब ऑर्डर देखने के बाद ही जो उस पर लीगल पहलू है वो इख्तियार करेगा शिया वक्फ बोर्ड. हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे बड़े फैसले का आज आखिर पटाक्षेप हो गया और रामलला विराजमान के पक्ष में ये फैसला गया. हमारे साथ बातचीत करने के लिए है राम मंदिर आंदोलन से शुरू से जुड़े हुए विनय कटियार जी. सर, आखिरकार फैसला रामलला विराजमान के पक्ष में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये हमारी जीत हुई है और वो जीत सबसे बड़ी जो वो प्रमाण जमीन ने दिया है, रामलला की जन्मभूमि ने प्रमाण दे दिया, क्योंकि जो खुदाई में मिला है वो सब राम जन्मभूमि के ही पत्थर कसौटी के खंभे, मूर्तियां, शिलालेख, ये सब कुछ वहीं से मिला है. तो वो हमारी जीत हुई है और मैं मानता हूँ कि आज अवसर तो नहीं है कहीं और कोई बात करने की, लेकिन अब सरकार के पास जिम्मेदारी आई है वो ट्रस्ट बना करके मंदिर का निर्माण करें. हम चाहेंगे सोमनाथ मंदिर की तरह उसका निर्माण हो, एक बढ़िया भव्य दिव्य जो ट्रस्ट बना है उसी की ट्रस्ट की मान्यता दी जाए और मंदिर का निर्माण हो. सर, आप शुरू से इस पूरे आंदोलन से जुड़े हुए, तमाम बार आंदोलन हुए और बलिदान कई सारे हुए, आप इस पूरे मामले को आप कैसे देखना चाहते हैं? 3.5 लाख लोगों का बलिदान हुआ, 78 बार युद्ध हुआ, बड़ा भारी बलिदान हुआ, आज उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और शांति तो अच्छी जब मिलेगी, सच्ची जब मिलेगी, जब भव्य दिव्य राम का मंदिर बन करके तैयार होगा, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी. ठीक है, राम मंदिर च्या विषयाने आणखीन काही मुद्दे आहेत का तुमच्याकडे? जरूर जाऊंगा मैं, जरूर जाऊंगा, क्योंकि आडवाणी साहब ने भी उस वक्त जो रथयात्रा निकाली थी तो एक खुशी मनाने के लिए मैं जरूर जाऊंगा, उनके आशीर्वाद ले लूंगा. नाही, पहिला हा आत्ताचा क्षण, हा या क्षणाचा आनंद सगळ्यांनी घेतला पाहिजे आणि नंतर या सगळ्या ज्या काही गोष्टी आहेत
एक भव्य दिव्य आणि गेल्यानंतर तो अलग अलग प्रतिक्रियाओ आवी रही छे। विनय कटियार, उद्धव ठाकरे तेमज अलग अलग जे राजकीय नेताओ छे तेओ आ चुकादाने आवकारी रह्या छे।